हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2019 के बारे में। तो अगर आप भी वर्ल्ड कप में अच्छा खासा विन करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप में आप कैसे जो है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग आप कैसे जीतोगे। तो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग आप टीम आने के बाद प्लेइंग 11 देख के अगर आप टीम बनाओगे तो 90% चांसेस है कि आप हर स्मॉल लीग या फिर ग्रैंड लीग आप हार जाओगे। आपको जो है जैसे कि वर्ल्ड कप जो है लगभग 30 तारीख से शुरू होने वाला है, तो हमारे पास अभी आज 20 तारीख है, तो आज 10 दिन टाइम है। 10 दिन पे आपको जो है रिसर्च करना है, इसीलिए आपका जो रिसर्च का काम है आपको मेरे चैनल पे आपको सारी टीमों का एक ओवरऑल एनालाइज करके वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि कौन से प्लेयर फॉर्म में है, कौन से प्लेयर फॉर्म में नहीं है, और किसको वर्ल्ड कप में जगह मिली है और किसको वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली है। तो ऐसे ही सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आईपीएल की मैं आपको कुछ विनिंग भी दिखा देता हूँ, जो कि मैंने चेन्नई पंजाब के मैच पर इतना अमाउंट विन किया था, दिल्ली और मुंबई के मैच में इतना विन किया था, और यहाँ पर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के मैच में इतना विन किया था, और पंजाब और राजस्थान के मैच पे मैंने इतना विन किया था। तो बहुत सारे लोग विनिंग देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने विनिंग दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो पे, लेकिन ज़्यादातर मैं विनिंग दिखाने पे बिलीव नहीं करता। जैसे कि अगर मैंने विन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कैसे विन करना है, कैसे टीम बनाना है, कैसे सब कुछ करना है। अगर मैं आपको जो है आप अगर मेरे देख के आप भी सोचोगे कि आप भी विन कर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको भी जो है बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है एक मैच के पीछे, तभी आप विन कर सकते हो। तो अगर आप वो मेहनत नहीं करना चाहते तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। मैंने बहुत ही नया लगभग आज ही मैंने चैनल को जो है स्टार्ट किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो इस पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे ही मैं मैसेज करूँ तो आपके मोबाइल पर आ जाता है, तो जैसे ही प्लेइंग एलेवन आने के बाद जो भी प्लेयर या फिर जैसे टीम में आपको मैं खुद से खेलता हूँ, वही सेम टीम मैं आपको जो है टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वर्ल्ड कप में अगर आपको कुछ अच्छा विन करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। तो मैंने आपको विनिंग दिखा दिया, और अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे जो है वर्ल्ड कप में कौन से 10 टीम इस बार खेलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में जो है पहले क्या होता था, ग्रुप वाइज जो है टीम डिवाइड किया जाता था, लेकिन इस बार कोई ग्रुप नहीं है। इस बार जो है 10 टीम जो क्वालिफाई करी है वर्ल्ड कप के लिए, वो है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़। हर एक टीम अपने जो है 9 ओपोनेंट के साथ एक एक करके मैच खेलने वाली है इस वर्ल्ड कप में। तो टोटल 9 जो है इंडिया जो है सारे के सारे ओपोनेंट के साथ एक एक करके मैच खेलेगी। उसके बाद जो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से 1, 2, 3 और 4 जो है क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल्स के लिए। 4 और फोर्थ और फर्स्ट पोजीशन जो है पहला सेमीफाइनल खेलेंगे, और सेकंड और थर्ड जो है दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगे। इन दोनों में से जो विनिंग करेगा जो टीम, वो जाके फाइनल खेलने वाली है। तो वर्ल्ड कप में हमारा जो है इंडिया का जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग जो है बहुत ही शॉर्ट आउट लग रही है, और ना ही कोई इंजरी है, क्योंकि लास्ट मैच पे जो है इंजरी के चांसेस जो है केदार यादव के थे, लेकिन बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि केदार यादव के को जो है इंजरी वो बिल्कुल फिट हो चुके हैं। तो आज हम टीम प्रीव्यू करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की, जिन्होंने अपना वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और लगभग यही स्क्वाड जो है फाइनल में भी जो है लास्ट जो है 23 तारीख तक जो है सारे टीम अपने फाइनल जो है स्क्वाड जो है अनाउंस करने वाली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस जो है फाइनल स्क्वाड यही रहने वाली है, ऐसा न्यूज़ से मुझे पता चला है, और मैं आपको सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स से बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप में 9 मैचेस खेलने वाली है। और इस ऑस्ट्रेलिया मैचेस के में अगर आप अच्छा खासा विन करना चाहते हो तो वीडियो ज़रूर देखिए, और बाकी के टीम से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा अगर आप इस वीडियो में जो है +100+ लाइक करते हो। तो बात कर लेते हैं कैप्टन से, तो कैप्टन अरुण फिंच को बनाया गया है, और ये एक अच्छे खासे फॉर्म में भी है, और लास्ट सीरीज पे जो है लास्ट कुछ महीने से इनका फॉर्म नहीं था, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस पे इनका जो है
इस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसी वजह से इनको जो है वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन भी बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे जेसन बियांड्रोव है जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, लंबे कद के बॉलर है, तो इनको पिच से मदद मिलती है। और न्यूजीलैंड को आपको पता है न्यूजीलैंड जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो मैं आपको कैटेगरी वाइज अगर बताऊँ तो आपको ज़्यादा जो है सूटेबल रहेगा। तो पहला ऑप्शन जो ओपनर, इनके पास तीन ओपनर है, तो पहला जैसे कि मैंने कहा अरुण फिन जो कि टीम के कैप्टन है, दूसरा ओपनर रहेंगे उनके लिए जो है उस्मान ख्वाजा जो कि अच्छे खासे बैटिंग करते हैं और बहुत ही सुप्रीम फॉर्म में है और लगातार 100 भी बनाया है इन्होंने। और थर्ड जो इनके पास ओपनर रहेंगे वो रहेंगे देवी रॉनर। और ये बताना मुश्किल है ये तीनों ही खेलेंगे या फिर ये दोनों खेलेंगे, क्योंकि ये तीनों ही ओपनर है और तीनों में से तीनों ही जो ओपनिंग करते हैं, लेकिन आप तीनों को तो ओपनिंग नहीं करा सकते। तो इन तीनों में से दो खेल सकता है वर्ल्ड कप में या फिर एक खेल सकता है। अब बात कर लेते हैं नंबर थ्री पोजीशन पे, तो नंबर थ्री पोजीशन पे जो है यहाँ पे स्मिथ को लिया गया है, तो स्मिथ शायद नंबर थ्री पे खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, हालांकि कुछ खास अच्छे फॉर्म में नहीं है इस दौरान, तो शायद इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन बड़े प्लेयर है और बड़े मैच में परफॉर्मेंस करना जानते हैं। नंबर फोर की अगर हम लोग बात करें तो नंबर फोर के लिए जो है शॉन मार्श लगभग परफेक्ट इनके लिए रहेंगे, अगर परफॉर्मेंस नहीं करते तो नंबर फोर पे जो शायद स्टोइनिस या फिर मैक्सवेल को ट्राई कर सकते हैं। नंबर फाइव पे अगर बात करें तो फिक्स लगभग है जो कि ग्लेन मैक्सवेल है, बैटिंग के साथ भी और बॉलिंग के साथ भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये जो है लगभग नंबर फाइव पे परफेक्ट रहेंगे। नंबर सिक्स की बात करें वर्ल्ड कप के लिए तो नंबर सिक्स पे जो है यहाँ पे स्टोइनिस शायद बैटिंग कर सकते हैं नंबर सिक्स पे, क्योंकि अच्छी खासी जो है ये बॉलिंग भी कर सकते हैं और अच्छी खासी हिटिंग भी कर सकते हैं लोअर अंडर ऑर्डर पे आके। नंबर सेवन की बात करें तो नंबर सेवन इनके पास रहेंगे ऑलराउंडर पैट कमिंस, या फिर पैट कमिंस को भी खिला सकते हैं और यहाँ पे नेथन कुंटन नाइन को भी खिला सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन नंबर सिक्स पे जो है मेरे हिसाब से एलेक्स कैरी जो कि टीम के विकेट कीपर है और इकलौता विकेट कीपर है नंबर सेवन पे, वही बैटिंग करने आएंगे। और उसके बाद नंबर एट पे जो है पैट कमिंस और नाइन्थ पे जो है नथन कुल्टन जो है बैटिंग करने आएंगे। पैट कमिंस बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुल्टन को थोड़ी बहुत इंजरी आती रहती है, अदरवाइज ये भी बहुत ही अच्छे बॉलर है। तो हमारे पास सेवन एट नाइन्थ हो गए, अब दो प्लेयर जो है जो खाली बचे उसमें से जो है नेथन लाइन या फिर एडम जंपा को जो ऑस्ट्रेलिया मौका दे सकती है, अगर ज़्यादा स्पिनिंग पिच हुई तो दोनों को खिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि अरुण फिंच और मैक्सवेल भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। उसके बाद झाइली रिचर्डसन है जो कि टीम के लिए बैकअप के रूप में, अगर कोई फास्ट बॉलर इंजरी हो जाता है तो झाइली रिचर्डसन को जो है स्क्वाड में लाया जाएगा। बात कर लेते हैं टेंथ और इलेवेंथ प्लेयर के बारे में, तो टेंथ प्लेयर होंगे मिचेल स्टार्क जो कि टीम के प्राइम फास्ट बॉलर होंगे, और इनके पास आपको पता ही है यॉर्कर बॉलिंग कर सकते हैं और इंग्लैंड पे इनको जो है थोड़ी बहुत मदद में भी लेगी, लेकिन हालांकि इस तरह का जो अभी पिच हम लोग पाकिस्तान विशेष इंग्लैंड के बीच में मैचेस की हम लोग देख रहे हैं, तो लगभग हर मैच पे जो है 350 प्लस जो है स्कोर बन रही थी, तो शायद बॉलर्स को थोड़ी बहुत पिटाई खाने को मिले। लेकिन आपको ज़्यादातर अच्छे अच्छे बैट्समैन चूज़ करना है, क्योंकि बैटिंग पिच है और आप अगर माई टीम इलेवन खेलते हो तो आपको ज़्यादातर बैट्समैन का ही पॉइंट आपको ज़्यादा मिलता है, तो मिशेल स्टार्क रहेंगे। उसके बाद जो लास्ट जो ऑप्शन रहेंगे वो है केन विलियम्स, केन रिचर्डसन या फिर यहाँ पे केन रिचर्डसन या फिर यहाँ पे जो है जेसन बियांड्रोव को जो है शायद प्लेइंग एलेवन पे मौका मिल सकता है, डिपेंड करता है पिच के ऊपर कौन से बॉलर्स को जो है वो पिच ज़्यादा सूट करेगी, उस हिसाब से जो है ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लेइंग एलेवन खिला सकती है। तो होप करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रीव्यू आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन की, वर्ल्ड कप की कुछ टिप्स की, तो वर्ल्ड कप 2019 जो है इंग्लैंड में होने वाला है जैसे कि आपको पता है, और आपको जो ग्रैंड लीग ज़्यादातर बैटिंग ही जिताएंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर जो सारे के सारे टीम के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जो कि टॉप फोर की बात करते हैं हम लोग, जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को मैं रख रहा हूँ, तो ये चारों के चारों जो है ओपनर या फिर तीन, यानी जो सारे टीमों के जो है ओपनर और नंबर तीन के बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा इनिंग पे रन बनाएंगे, और आप अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन लेते हो तो आप अच्छा ग्रैंड लीग में विन कर सकते हो। तो इसके अलावा मैं जो है एक एक करके जो है सारे के सारे जो है 10 टीमों का जो एक टीम प्रीव्यू लाऊंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ये तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि प्लेइंग 11 आने के बाद भी मैं वहाँ पे टीम प्रोवाइड करता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में।